गाइज वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग गाइज। और मैं आया था यहाँ स्वामी विवेकानंद सरोवर, जो कि आपको जाना जाता है, मतलब अभी फिलहाल ये बहुत बढ़िया से बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा देर में दिखाऊंगा आगे का सीन जो भी है, बट दुर्भाग्यवश हुआ ये कि मैं गूगल मैप में देखा था कि शाम को खुले रहता है 3 बजे से 8 बजे तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया तो ये लॉक लगा है, बंद है। पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, शायद अभी अभी नया नया ओपनिंग हुआ है तो हो सकता है कुछ मतलब सिक्योरिटी के लिए चलते हो सकता है बंद हो। तो मैं अभी खुलने का जो टाइम दिया गया वो 8 बजे के बाद कर दिया गया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 8 बजे के बाद तक मैं रुकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तब तक वो रश रहेगा नहीं, मतलब जो भी लोग आए हैं वो चले जा गए होंगे, तो क्या मतलब रुकने का। तो मैं अभी चले जा रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसके बाद वाला ब्लॉग वो इसी का होगा, इसी जगह का होगा, तो उसको पूरा ए टू जेड दिखाऊंगा यहाँ का सीन। तो फिलहाल मैं अभी किनारे पे हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका वो सरोवर स्वामी विवेकानंद सरोवर, और मैं उसके सरोवर के बाहर हूँ। मेरी स्कूटी इधर बाहर ही लगाए हैं रोड के किनारे, कहीं पुलिस ने पकड़ ली उसका भी डर है। तो मैं बाहर से जो भी सीन होता है बनता है दिखाने के लिए वो दिखाता हूँ। अंदर आज मैं मतलब नहीं जा पाया, लॉक लगा है, कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि 8 बजे तक बंद है, और मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे के बाद मैं रुकता भी हूँ। अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7 बजने वाला है, 7 बज चुका है। तो अगर मैं रुकता हूँ लेट तक तो दिक्कत ये होती है कि यार सभी लोग चले जा चुके हैं, जो भी आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं क्योंकि अंदर अलाउ है ही नहीं है। तो मैं इस ब्लॉग को थोड़े देर बस 2-2.5 मिनट का रखता हूँ, और बाहर बाहर का जो भी सीन है वो आपको दिखाऊंगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जो भी आएगी उसमें इसका पूरा कवर करके दिखाऊंगा अंदर से। और बहुत सारे बोट लगे हैं ऐसे, कल मैं देखा था, मतलब नाव जो भी होते हैं पानी में चलने वाला नाव भी लगे हैं, और जो एक औरत है ना पैर में लगा के ऊपर नीचे से मतलब पानी निकलता, बहुत सारे चीज़ मतलब लगाया गया है। और इस बार जो सजावट हुई है इसमें खास बात यह है कि जितना भी आप लाइट पीछे देख रहे हो ये पूरे तालाब में लगा है। अब अगर ध्यान से देखते हो तो पूरे इतना बड़ा तालाब है सब में लगा है, लेकिन कोई भी जो लाइट है वो चाइनीज़ लाइट नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो लाइट लगी है वो चाइनीज़ लाइट नहीं है। और आप मेरे पीछे अगर लोग को देख सकते हो तो देखो वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं ना वो इधर भी देखोगे तो वो बाहर से ही देख रहे हैं, क्योंकि अंदर आज सबका नसीब ख़राब है। अब पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया, बट फिर भी अब साफ़ सफाई देख सकते हो। ये किनारे का सीन है और ये भी कितना अच्छा दिख रहा है, ऊपर देखो ये पेड़ पे ये लोग लाइट लगा के रखे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सीन देखने को मिल रहा है। और पीछे जो देख रहे हो कितना अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। तो मैं जब अंदर जाऊँगा यानी कल आऊँगा, हो सकता है कल फिर आपको दिखाने के लिए, यहाँ का तो मतलब शूट करना ही है, तो अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो फिलहाल मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ थोड़ा बहुत सीन, जो भी आपको मतलब जो मेरे से हो पाएगा मैं दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। और दोस्तों चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली यहाँ का ब्लॉग आपको अच्छे तरीके से मैं दिखा पाऊँ जब भी एक्सप्लोर करूँगा, तो नेक्स्ट टाइम वही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो तब तक देखिए बाहर से व्यू इसी तालाब का और बैक कैमरा से। तो रोड का सीन है, यहाँ भी कुछ लड़के यहाँ देखो आए हैं और बाहर से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अंदर किसी को अलाउ नहीं है। देखो लड़के लोग मतलब देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। तो ये है कुछ सीन, और देखो कितना अच्छा सजावट यहाँ का किया गया है, मतलब ऑसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम मतलब रायपुर में नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं। और पानी भी देखो कितना बड़ा तालाब है, मतलब बहुत बड़ी तालाब है। अगर मैं ऐसे पैदल चलूँ, ऐसे एक एक स्टेप करके अगर मैं ऐसे पैदल चलूँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा इसको क्रॉस करने में। ऐसे ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो मैं बाहर से सीन दिखा रहा हूँ, देखो कितना अच्छा यहाँ लाइटिंग भी हो रही है और पटाखे भी फूट रहे थे, उसका भी मैं शॉट लिया हूँ, रोड से मैं गुजर रहा था तो उसको भी डाल दूंगा। अभी पटाखे का जो सीन देखते हो भी देख पाओगे। और इधर देखोगे तो इधर मतलब मेन रोड है, ये जो पेड़ पौधा दिख रहा है बीच में इसके उस पार मेन रोड है। और इधर देखो कितना अच्छा ये मतलब लाइटिंग लगाई गई है, जो कि अभी कितना अच्छा चमक रहा है। और वहीं है प्रतिमा विवेकानंद का, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख पा रहा हो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर 100% दिखाऊँगा। आज तो मतलब पता नहीं क्यों ये लोग बंद करके रखे हैं। तो ये है कुछ सीन, और मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहूँगा इसमें क्योंकि कुछ है नहीं, लॉक लगाए तो मैं वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करूँगा। और आप बाहर का सीन देख चुके, ये है रोड है। तो तब तक दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके 1 लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी कहीं जगह एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि अंदर जाने को तो मेरे को मिला नहीं, अलाउ है नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी के वीडियो में, बनाऊंगा यहाँ का पक्का वीडियो बनाऊंगा। बहुत मन था कि अंदर जाऊँ, अंदर विजिट करूँ, अंदर का जो भी सीन है आपको डायरेक्ट दिखाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो पाए नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।